राजधानी रायपुर ने शिक्षा विभाग से 366 करोड़ रुपए की कथित रिश्वतखोरी डायरी मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राखी पुलिस ने मामले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक शिक्षा विभाग का रिटायर अधिकारी, कर्मचारी व टाइपिस्ट शामिल है। मुंगेली जिले के जरा गांव थाना के ग्राम खमरिया चौक रोड के पास मुखबिर की सूचना पर पथरिया तरफ से भारी मात्रा में शराब लेकर जरा गांव की तरफ आ रही एक कार को घेराबंदी कर गाड़ियों को रोककर उसमें सवार 2 आरोपियों से 14,000 रुपए की शराब व कार को जब्त किया गया है। ऑटो रिक्शा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को राजनांदगांव की कोतवाली पुलिस ने भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बीते 5 जनवरी की दरमियानी रात भिलाई छावनी चौक निवासी अफजल खान ने शहर के लखोली से सोमन साहू के घर के बाहर खड़ी ऑटो को चोरी किया था। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात बार मैनेजर और कर्मचारी सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है। रात में काम निपटाकर दोनों अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। मारपीट के वायरल वीडियो पर रायपुर की डीडी नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत चंगोरा भाटा स्थित साकेत विहार के पास कुछ लड़कों द्वारा एक फल ठेला वाले के साथ मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के टॉयलेट में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया गया कि शनिवार को जब सुपर टॉयलेट साफ करने गया तब उसकी नजर पड़ी थी। उसने देखा कि कमोड में नवजात की लाश पड़ी हुई है। थानागंज के क्षेत्र अंतर्गत स्थित वर्गो सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी में लाखों रुपए का गबन करने वाले पूर्व अकाउंटेंट से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने भारत सरकार का बोर्ड लगाकर गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी लग्जरी फोर्ड कार से गांजा की तस्करी कर रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 60 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमत करीब 12 लाख रुपए को जब्त किया है। साइबर सेल की टीम और गोरेला थाना की टीम ने मुखबिर की सूचना पर संदेही राजू टेकाम को चोरी की मोटरसाइकिल सीडी डिलक्स के साथ गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के रास्ते में रहस्यमय ढंग से लापता हुए व्यवसायी के मैनेजर के मामले में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। पैसों की लालच में मैनेजर ने खुद अपहरण और लापता होने की साजिश रचाई थी, लेकिन पुलिस ने शातिर आरोपियों के कारनामे का पर्दाफाश कर दिया। राजधानी रायपुर से हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। यहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसा मांगा। पत्नी द्वारा इनकार करने पर उसे जिंदा जला दिया। बुरी तरह से झुलस चुकी महिला को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के संजय मार्केट कमला नेहरू गार्डन तमनार लेलुंगा से 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर केवड़ावाड़ी चौक के पास से वाहन बेचने के लिए घूम रहे आरोपी को पकड़कर चोरी की 5 दोपहिया वाहन बरामद की है। रायगढ़ जिले की बरमकेला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरुपाली के आम रोड में 2 युवकों को अवैध शराब परिवहन करते पकड़कर 39 लीटर महुआ शराब कीमत 7,800 रुपए की जब्ती की गई है। सरगुजा जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राजपुर शाखा में चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी राहुल सिंह राजपुर का ही रहने वाला है। बिलासपुर में शनिवार की शाम जमीन में कब्जे को लेकर कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद व मारपीट करने के भी आरोप हैं। दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए जा रहे सर्वे का विरोध करते हुए भीड़ ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के बंगले का घेराव किया है। उन्होंने विधायक से साफ तौर पर कहा कि वे जहां हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए और सरकारी पट्टा दिया जाए। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस द्वारा की रात्रि गश्त के दौरान चिमटापानी बस स्टैंड के पास संदिग्ध घूम रहे युवक के पास से एक मोटर पंप की बरामदगी की गई है। कवर्धा जिले में नेशनल हाईवे 30 पर चिल्पी बस स्टैंड से करीब 500 मीटर दूर ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप का सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत यह रही कि चालकों को कुछ नुकसान नहीं हुआ। कवर्धा जिले की सिंगनपुरी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर और शादी का वादा कर अपने साथ नागपुर भगा ले जाने तथा उसके साथ 4 महीने तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी युवक को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के नंदई चौक स्थित हेमंत ट्रेडर्स के गोदाम में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान गोदाम से 55 बोरी राजश्री जर्दा गुटखा का पाउच बरामद किया गया है। शनिवार को साजा के नायब तहसीलदार राजीव गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने निर्माणाधीन 4 दुकान को तोड़ने के लिए दलबल के साथ पहुंचे थे। इसका स्थानीय नेता, भाजपा नेता और नागरिकों ने विरोध किया। इससे अमले को खाली हाथ लौटना पड़ा। जगदलपुर शहर में NH-30 के चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को 40 से ज्यादा दुकानों के व्यापारी सड़क पर उतर आए और उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बैंक की राशि ATM काउंटर में जमा करने वाली अनुबंधित कंपनी CMS के 4 कर्मचारियों ने बीते कुछ महीनों में ATM में पूरा रकम न डालकर बैंक के करीब 3.5 करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया है। कंपनी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के कोतवाली पुलिस ने लूट के 2 अलग-अलग प्रकरणों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक बटनची चाकू बरामद किया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित ADG GP सिंह से ACB की अधिकारियों ने रिमांड में लगातार 3रे दिन पूछताछ की। पूछताछ और जांच में कुछ नए दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर अब टीम GP की मदद करने वालों से पूछताछ करने की तैयारी में है। इसमें बैंक मैनेजर, ड्राइवर सहित कुछ लोग के नाम शामिल हैं।